नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आज से कड़े आवेदन। श्रावणी मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की गई मांग। IIT पटना में इस बार छात्रों को मिला करोड़ों में पैकेज। राज्य में होगा स्टील कैटलरी बैंक की स्थापना। बिहार में सूखे की स्थिति के बीच जल संसाधन मंत्री ने पड़ोसी राज्य से मांगी मदद। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आज से कड़े आवेदन। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए विद्यार्थी 15 जुलाई यानी आज से लेकर 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि नामांकन के लिए 60 सीटें छात्र और 60 सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। वहीं किसी तरह की दिक्कत होने पर आप 0612-223-2074 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रावणी मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की गई मांग। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ बीते दिन सावन के पहले दिन से हो चुका है। इसके बाद पूरे एक महीने शिव भक्त का तांता भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से लेकर बाबा की नगरी देवघर तक लगा रहेगा। वहीं श्रावणी मेले का उद्घाटन बीते दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस दौरान उन्होंने बिहार वासियों के बीच बड़ी घोषणा की है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार झारखंड के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर बाबा अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सुल्तानगंज में ओवरब्रिज से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं उद्घाटन समारोह में स्थानीय सांसद और विधायक ने सुल्तानगंज के श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग की है। अगले 75 दिनों तक मुफ्त में लगाए कोरोना के बूस्टर डोज। आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार इसके तहत देशवासियों को तोहफा दे रही है। आपको बता दें कि देशवासियों को बड़ी राहत दिलाने और कोरोना की चौथी लहर के खतरे को कम करने के उद्देश्य से 15 जुलाई यानी आज से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज मुफ्त लगाने की शुरुआत हुई है। यह कैंपेन ड्राइव पूरे 75 दिनों तक चलेगा यानी कि पूरे 2.5 महीने। मालूम हो कि लगातार देश में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और दूसरे डोज लेने की अवधि 6 महीने हो चुकी है तो आप बूस्टर डोज अवश्य लगाएं, यह बिल्कुल मुफ्त है। IIT पटना में इस बार छात्रों को मिला करोड़ों में पैकेज। IIT पटना में इस साल सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। करोड़ों में पैकेज देने वाली कंपनियों में गूगल और अमेजन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना के 6 स्टूडेंट्स को गूगल और अमेजन ने 1 करोड़ और इससे ज्यादा का पैकेज ऑफर किया है। आपको बताते चले कि गूगल लंदन ने IIT पटना के BTech कंप्यूटर साइंस के छात्र को 1.37 करोड़ का सालाना पैकेज ऑफर किया है। गूगल म्यूनिक की ओर से इसी संकाय के एक अन्य छात्र को 1.31 करोड़ का पैकेज दिया गया है। अमेजन बर्लिन ने IIT पटना के 3 छात्रों को 1.20 करोड़ का सालाना पैकेज ऑफर किया है। इनमें 2 छात्र कंप्यूटर साइंस के हैं, 1 इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं। एक अन्य छात्र को अमेजन लुक्सबर्ग की ओर से 1 करोड़ का पैकेज मिला है। कंपनी की शर्तों की वजह से छात्रों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। राज्य में होगा स्टील कटलरी बैंक की स्थापना। मालूम हो कि देश के साथ साथ बिहार में भी प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक के आयात निर्यात मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच अब बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल और प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। आमिर सुहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। इस दौरान आमिर सुहानी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए वैकल्पिक सामग्री और कागज, कपड़ा, पतल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह यानी जीविका के स्तर पर स्टील कटलरी बैंक की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाना है। बिहार में गहराया सूखा का संकट, इन जिलों में बिगड़ेंगे हालात।
बिहार में इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बहुत ही कम बारिश हुई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बारिश कम होने के कारण 35 जिलों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि जिन जिलों में इस समय सूखे जैसे हालात हैं, उन जिलों में 36% कम बारिश हुई है। यही कारण है कि जिससे इन जिलों में सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जहां अभी तक 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई है। इन जिलों में खासकर औरंगाबाद, अरवल, भागलपुर, बांका, लखीसराय, भोजपुर, कटिहार में इस तरह की स्थिति है। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां स्थिति आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकती है। हालांकि आगामी 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच अच्छी बारिश होने के पूर्वानुमान है। बिहार इस महीने करेगा 2000 करोड़ का कारोबार, अकेले इस जिले से 500 करोड़। सावन महीना शुरू हो चुका है, इस दौरान बिहार में कारोबारियों के चांदी होने वाले हैं। एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा से बिहार को 2000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। अगर सिर्फ भागलपुर की बात करें तो यहां इस महीने के दौरान 500 करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बाबा गैवीनाथ धाम पर स्थित गंगा घाट से श्रावणी मेले के दौरान 40 लाख से ज्यादा कांवड़िए जल उठाएंगे और देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में इसके अनुसार भागलपुर जिले में इस बार 500 से 600 करोड़ का कारोबार होने की संभावना है। शिक्षकों के पोशाक को लेकर इस जिले में आदेश जारी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लखीसराय के डीएम एक माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को बच्चों के सामने इसलिए फटकार रहे थे क्योंकि उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना था। इस वाक्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहा था कि इस बीच अब वैशाली जिले के डीएम ने शिक्षकों के पोशाक को लेकर आदेश तक जारी कर दिया है। वैशाली के डीएम ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि शिक्षक जीन्स पहनकर स्कूल नहीं आएंगे, साथ ही कोई शिक्षक टी शर्ट पहनकर भी स्कूल नहीं जा सकेंगे। डीईओ ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जारी आदेश में ये भी लिखा है कि आए दिन इंटरनेट मीडिया में विद्यालयों में पठन पाठन की अवधि में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा जींस टी शर्ट पहनकर कक्षा संचालन करने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। इसके बाद ये दोनों डीएम राज्य भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार में सूखे की स्थिति के बीच जल संसाधन मंत्री ने पड़ोसी राज्य से मांगी मदद। बीते दिन राजधानी पटना स्थित सिंचाई भवन में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक राज्य में सूखा पड़ने की स्थिति को लेकर था। इस बैठक में राज्य में अल्प वर्षपात से उत्पन्न स्थिति, विभिन्न नहर प्रणालियों में जल स्राव और जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति और किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाने के विभाग द्वारा की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री से फोन पर बात कर रिहंद जलाशय से पानी छोड़े जाने का अनुरोध भी किया गया है। इसके बाद मिले आश्वासन से वो संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि रिहंद जलाशय के पानी से सोनभद्र के पिपरी, ओबड़ा और एनटीपीसी की इकाई सिंगरौली में जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। इसके साथ ही भूगर्भ जलस्तर को बनाए रखने में भी इस जलाशय का महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्व मंत्री रमई राम हुए पंचतत्व में विलीन। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम का बीते दिन वेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वहीं आज पूर्व मंत्री रमई राम पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं और बच्चों ने भी उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। दाह संस्कार मालीघाट स्थित उनके आवास के सामने किया गया। वर्ष 1944 में जन्मे रमई राम लंबे समय तक राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे। पिछले 5 दशक में रमई राम बोचहा विधानसभा की राजनीति के केंद्र में रहे। वर्ष 1972 में 12 आम चुनाव और 1 उपचुनाव में वे यहां से उम्मीदवार रहे और 9 बार विधायक बने। मानवजीत सिंह ढिल्लों के विवादित बयान पर गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया। पटना एएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर सियासत गर्म हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों से इस पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। इस विवाद के बीच अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एंट्री ले ली है। हालांकि गिरिराज सिंह ने बिना नाम लेते हुए मानवजीत सिंह ढिल्लों पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि आरएसएस मतलब राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा, आरएसएस मतलब जन कल्याण, आरएसएस मतलब मानवता और सौहार्द, आरएसएस मतलब संविधान के हिमायती। देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टिकरण के पैरोकारों के।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की गई विधायकी। बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले अनंत सिंह की विधायकी अब छीनी जा चुकी है। विधानसभा ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। अनंत सिंह को पिछले महीने पटना की MPML कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद से उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा ही रहा था और जिसकी आशंका थी वही हुआ। अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अनंत सिंह अभी फिलहाल वो पटना बेऊर जेल में है। MPML कोर्ट की विशेष अदालत ने बीते दिन एक और आर्म्स एक्ट के मामले में अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई को अगली तारीख तय की है। भाषण देने के दौरान क्यों लड़खड़ाए तेजस्वी, सच आया सामने। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के आगमन पर कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान लड़खड़ा गई थी, जिसके बाद टिप्पणियों से सियासी माहौल गर्म था। हालांकि कई मौकों पर तेजस्वी यादव खुलकर सत्ता पक्ष की टांग खींचते हैं, वो भी बेबाकी से, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो क्यों लड़खड़ाए ये बात सोचनीय थी। इस दौरान खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव की आंख की रोशनी पहले से प्रभावित है। आंख में आई परेशानी की वजह से तेजस्वी यादव मंच पर लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ पाए और इसी वजह से उनकी जुबान लड़खड़ाई। वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास भी इससे कम हो गया। मंच बड़ा था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा तेजस्वी थोड़े नर्वस भी हुए। विराट के लिए आया पाकिस्तान से संदेश। लगातार खराब फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब पाकिस्तान से एक संदेश विराट कोहली के लिए आया है। दरअसल पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज बाबर आजम विराट कोहली के समर्थन में आए हैं और उन्हें स्ट्रांग बनने को कहा है। चीफ प्रतिद्वंदी पाकिस्तान टीम के कप्तान ने कोहली के समर्थन में ट्विटर पर कोहली के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह भी गुजर जाएगा, मजबूत रहो। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले 20,000 के पार। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में बीते दिन जारी किए गए रिपोर्ट में 19% का उछाल देखने को मिला था। वहीं आज दूसरे दिन भी पिछले 24 घंटे में 20,038 नए मामले दर्ज किए। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 47 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,39,073 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,994 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। आज लगातार दूसरे दिन भी नए संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार रही है। आपको बताते चले कि पिछले 5 महीनों के कोरोना के इतने मामले नहीं आए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, सिद्धार्थ कुमार, कविता कुमारी, रॉबिन कुमार, प्रियंका वर्मा, प्रमोद कुमार और सुमन सौरभ यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार क्या विद्यार्थियों की तरह शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड होना चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।